तो दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले ही वीडियो में कह चुका हूं कि आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा ब्रिटिश एम्पायर कुछ भी कर सकता था। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने लगभग आधी दुनिया पर कई सालों तक राज किया, क्योंकि इनके पास एक बेहतर शासन व्यवस्था थी, मोनार्की के पास पावर कम था और साथ ही अपना एक संविधान भी था। और कहा जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। दुनिया के इन सभी महाद्वीपों पर इनकी कॉलोनियां थी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, एशिया हो, अफ्रीका हो या दोनों ही अमेरिका, हर जगह ब्रिटिश एम्पायर अपने चरम पर था। लेकिन कब तक? क्योंकि विश्व इतिहास में तीन ऐसी घटनाएं थी जिसने इस साम्राज्य को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहली थी नेपोलियोनिक वॉर, दूसरा था प्रथम विश्व युद्ध और फाइनली तीसरा था द्वितीय विश्व युद्ध। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। मेरा नाम है विकास और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश एम्पायर के बारे में। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश एम्पायर की स्थापना कैसे हुई, कितना बड़ा था और क्यों था, इस पर मैं पहले ही दो वीडियो बना चुका हूँ, देखेगा जरूर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि इतिहास में तीन ऐसी घटनाएं थी जिसने ब्रिटिश एम्पायर को तोड़ने का काम किया था। पहली थी नेपोलियोनिक वॉर, यानी कि खुद नेपोलियन बोनापार्ट। इस घटना से ब्रिटिश एम्पायर को फायदा भी हुआ और नुकसान भी। हालांकि फायदा ज्यादा हुआ, क्योंकि जब नेपोलियन हारा तो वियना कांग्रेस में ब्रिटेन को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। फ्रांस की कई कॉलोनियों पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। ना सिर्फ फ्रांस बल्कि नीदरलैंड की भी कुछ कॉलोनियां ब्रिटेन के कब्जे में आ गई। ब्रिटेन की ताकत और बढ़ गई, क्योंकि जितना नुकसान नेपोलियन ने किया था उससे ज्यादा फायदा मेटरनिक ने ब्रिटेन को दिया। लेकिन अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, तो नेपोलियन ने ब्रिटेन को क्या पूरे यूरोप में सभी बड़े देशों को नुकसान पहुंचाया था। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैलाने का काम नेपोलियन ने ही किया था। जो छोटे छोटे जर्मन और इटालियन राज्य बटे हुए थे, नेपोलियन ने उन्हें एक किया और यही कारण था कि आगे चलकर यूरोप में जर्मन एम्पायर और इटली जैसी बड़ी ताकतें अस्तित्व में आई। दोस्तों, इतिहास यह कहता है कि नेपोलियन ब्रिटेन को नहीं जीत पाया था, लेकिन अगर बारीकी से देखें तो अगर नेपोलियन चाहता तो ब्रिटेन को जीत भी सकता था, क्योंकि जब ब्रिटेन का नेवल ब्लॉकेज लगाया गया था तब ब्रिटेन तक कोई भी व्यापारिक जहाज नहीं पहुंच पाया था। लेकिन एक समय जो जहाज अनाज लेकर ब्रिटेन तक जा रहे थे, नेपोलियन ने उनसे पाबंदी हटा दी थी, क्योंकि नेपोलियन क्रूर नहीं था और वो नहीं चाहता था कि लोग भूखे मरे, और यही कारण था कि ब्रिटेन झुका नहीं। कुल मिलाकर नेपोलियन ने यूरोप में काफी परिवर्तन किए, जिसका लॉन्ग टर्म में ब्रिटेन को काफी नुकसान हुआ। हाँ, बाकी फायदा भी बहुत हुआ, क्योंकि 1815 से लेकर ब्रिटिश एम्पायर का गोल्डन एरा भी शुरू हो चुका था, जिसमें ब्रिटेन अपने चरम पर था। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनियों पर और ताकतें बढ़ा दी, लेकिन इस दौरान यूरोप में जर्मन एम्पायर और इटली जैसी बड़ी ताकतें भी जन्म ले चुकी थी। और अगर सच कहें तो शुरुआती समय में वो ब्रिटिश रॉयल नेवी ही थी, जिसे टक्कर देने वाला कोई देश नहीं था। फ्रांस पहले ही बहुत कमजोर हो चुका था, ऑस्ट्रिया हंगरी को समुद्र में कोई दिलचस्पी थी नहीं, ऑटोमन एम्पायर भी बूढ़ा हो रहा था। थोड़ी बहुत टक्कर रशिया ने दी, लेकिन समुद्र में वो भी कमजोर ही था। कुल मिलाकर आप यह भी कह सकते हो कि ब्रिटिश रॉयल नेवी की कंडीशन उस समय अंधों में काणा राजा जैसी थी, क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन था ही नहीं। लेकिन 19वीं सदी के अंत में कॉम्पिटिशन बना, क्योंकि अमेरिका और जापान भी अब पिक्चर में आ गए थे, और वहीं दूसरी ओर बिस्मार्क के बाद जर्मन एम्पायर की कमान संभाली केसर विलियम सेकंड ने, जो कि ब्रिटेन के लिए लगातार खतरा बनता जा रहा था। इस दौरान जर्मनी ने अपनी नेवी को एकदम से ताकतवर बना दिया, क्योंकि नई सोच वाला जर्मनी अब कॉलोनियां बनाने में दिलचस्पी ले रहा था। और जैसे ही 20वीं सदी की शुरुआत हुई, अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसी ताकतें अब कॉम्पिटिशन में आ चुकी थी। जापान ने रशिया को युद्ध में हराकर अपनी स्थिति दुनिया को दिखा दी थी, जिसके बाद जैसा कि हमें पता है सारा यूरोप प्रथम विश्व युद्ध के दलदल में फंस गया। और इस युद्ध में जर्मनी की नेवी ने जो घमंड ब्रिटिश रॉयल नेवी का तोड़ा, क्या तोड़ा, दुनिया दंग ही रह गई, क्योंकि सारी दुनिया को चौंकाते हुए जर्मनी ने अपनी यू बोट का इस्तेमाल किया, यानी कि सबमरीन का। इस नई तकनीक ने ब्रिटिश रॉयल नेवी को हिला कर रख दिया। हालांकि भले ही प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन जीता हो, लेकिन फिर भी ब्रिटेन को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ब्रिटेन ने इस युद्ध के दौरान अपनी कॉलोनियों से मदद ली झूठ के नाम पर। जैसे भारत में इंडियन कांग्रेस से वादा किया कि वो युद्ध के बाद भारत को आज़ादी दे देगा, कुछ ऐसा ही वादा मिडिल ईस्ट में अरबों और यहूदियों से भी किया, लेकिन वादा निभाया नहीं। और उसी का ही परिणाम था कि ब्रिटेन सारी दुनिया में अपना भरोसा खो चुका था। ऊपर से उसकी इकोनॉमी को इस युद्ध में गहरा झटका लगा,
युद्ध तो ब्रिटेन जीत गया, लेकिन बहुत बड़ी कीमत पर। हालांकि ब्रिटिश एम्पायर अभी भी एक बहुत ताकतवर साम्राज्य था, और युद्ध के नुकसान को रिकवर करने के लिए उसके पास भारत जैसी बड़ी कॉलोनी थी, और उसने रिकवरी भी की, लेकिन 1930 के ग्रेट डिप्रेशन की चपेट से वो खुद भी नहीं बच पाया। साथ ही ब्रिटेन की रॉयल नेवी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ 1922 की वॉशिंगटन नेवल ट्रीटी से, जहां ब्रिटेन की नेवल ताकत को कम कर दिया गया, जबकि जापान ग्रेट डिप्रेशन का बहाना लेकर इस ट्रीटी से निकल गया, लेकिन ब्रिटेन फंसा रहा। ब्रिटिश एम्पायर की गिरावट में पहला कदम रखा आयरलैंड ने, जहां 1921 में एंग्लो आयरिश ट्रीटी के तहत आयरलैंड को आजादी दे दी गई। वहीं इजिप्ट में भी भारी संघर्ष के कारण ब्रिटेन ने 1922 में इजिप्ट को आजादी दे दी। हालांकि यह आजादी बस नाम की ही थी, लेकिन फिर भी शुरुआत हो चुकी थी, और 1936 तक ब्रिटेन इजिप्ट छोड़ चुका था, लेकिन स्विस कैनाल अभी भी ब्रिटिश कंट्रोल में ही थी। वहीं प्रथम विश्वयुद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जिसमें इराक को 1932 तक आजादी मिल गई। वहीं बात करें भारत की, तो 1857 से ही भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुके थे, और जब अंग्रेज अपने वादे से मुकरे तो यह आंदोलन और बढ़ गए। लेकिन ब्रिटेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे जापान, जर्मनी और सोवियत यूनियन, क्योंकि ये तीनों ही अपनी अलग अलग विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ रहे थे, जबकि ब्रिटेन के साथ फ्रांस ही था। और यूरोप में शांति स्थापना के लिए ब्रिटेन ने तमाम कोशिशें भी की, जैसे कि म्यूनिक एग्रीमेंट, लेकिन हिटलर नहीं बना और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, ब्रिटेन का साथी फ्रांस शुरू में ही घुटनों पर आ गया, और हिटलर ने ब्रिटेन को चारों ओर से घेर लिया। ब्रिटेन तक पहुंचने वाले हर जहाज को जर्मन नेवी नष्ट कर रही थी। जर्मनी के साथ साथ जापान ने भी ब्रिटेन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में जापान सभी यूरोपियन कॉलोनियों पर कब्जा करते जा रहा था। हालांकि बाद में ब्रिटेन ने अमेरिका और सोवियत यूनियन की मदद से वापसी की, लेकिन बहुत बड़ी कीमत पर। जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, अमेरिका और सोवियत यूनियन के रूप में दो बड़ी ताकतें जन्म ले चुकी थी। ब्रिटेन अमेरिका के कर्जे तले दब चुका था, उसमें उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी कॉलोनियों को सुरक्षित रख सके, और यहाँ से गिरावट का दौर शुरू हुआ, जिसमें शुरुआत हुई भारत की आजादी के साथ, और ये लगातार आगे बढ़ती गई। इस गिरावट के कुछ राजनीतिक कारण भी थे, जैसे चर्चिल चुनाव हार चुका था और एटली नया प्रधानमंत्री बना, जो कि चर्चिल के मुकाबले कमजोर था। भारत की आजादी के बाद अगले ही साल श्रीलंका भी आजाद हो गया। वही मिडिल ईस्ट में यहूदियों ने अपने देश की घोषणा कर दी, और ब्रिटेन को फिलिस्तीन छोड़ना पड़ा। विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद साउथ ईस्ट एशिया में मलाया में भी ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह बढ़ गए। ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में कील ठोकने का काम किया इजिप्ट ने, क्योंकि ब्रिटेन स्वेज कैनाल पर अपना कंट्रोल चाहता था। लेकिन जमाल अब्दुल नासिर एक योग्य राजनेता था, और स्विस कैनाल क्राइसिस के कारण ब्रिटेन की बची कुची लाज भी खत्म हो गई, और धीरे धीरे ब्रिटेन की स्थिति मिडिल ईस्ट से पूरी तरह से खत्म हो गई। परिवर्तन की हवा अब अफ्रीका तक भी फैली, और धीरे धीरे ब्रिटेन अपनी कॉलोनियां खोते जा रहा था। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और साउथ अफ्रीका भी अब ब्रिटेन से अपने संवैधानिक संबंध तोड़ चुके थे और पूरी तरह से आजाद थे। और 1997 तक हांगकांग के रूप में ब्रिटेन अपनी आखिरी कॉलोनी भी खो चुका था, और ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हो चुका था। इतिहास गवाह है कि इन मुट्ठीभर लोगों ने लंबे समय तक सारी दुनिया पर अपना प्रभाव रखा, लेकिन 400 सालों का यह साम्राज्य परिवर्तन की हवा में पूरी तरह से ढह गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बाकी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगता है। जय हिंद, वंदे मातरम।